आप मीडिया की बात कर रहे हो, मीडिया ने बोला था कि नैनो चिप आएगी, आई 2000 के नोट में। मीडिया ने कहा था 2 करोड़ नौकरी देंगे मोदी जी, ये भी मीडिया ने दिखाया था, वो मिली नहीं मिली, 15 लाख मिले, देश नहीं बेचेंगे। आज एक एक करके देश को पूरा इंडस्ट्री देश का बेच दिया। मैं बोलूंगा अगर अभी बीजेपी को कोई लाएगा तो ये सुपर डुपर ब्लंडर मिस्टेक होगी और ये सबके हित में नहीं होगी, सबके अगेंस्ट होगी, क्योंकि वो दिन रात झूठ बोलते हैं। अभी मोदी जी बांग्लादेश में जाके बोले कि वहाँ आजादी की लड़ाई लड़ेगी। किया है, हरियाणा ने साथ दिया है, वेस्टर्न यूपी पूरा साथ है, राजस्थान साथ है, इनको बहुत सारे और भी जो ये है आपके स्टेट्स है वहाँ से भी हम लोग की खबरें आ रही है। मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे ये जीतने की जो बात करते हैं वो है सबसे बड़ा फंडा ही, वो एकदम क्लियरली हमारे अभी देखिए पंजाब में इलेक्शन हुई और पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा कि हमें डर है बीजेपी का, जीतने के बाद भी उन्होंने ये बात की, तो कहीं ना कहीं सबको ये चीज का डर है। जैसे मैं कल की घटना बता देता हूँ। दोस्तों मैं हूँ दानिश, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं और अब गेम पूरी तरह से बदल गया है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो बता रही है उस हिसाब से आप कह रही है कि बंगाल के अंदर भाजपा 175 सीटों से ज़्यादा ला सकती है और ममता बनर्जी की सीटें काफ़ी कम हो रही हैं, यानी कि सरकार बनाती हुई बता रही है। लेकिन असलियत क्या है ये तो खैर 2 मई को ही पता चलेगा, लेकिन मेरे साथ लोग मौजूद हैं, यहाँ हम लोगों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे। क्या पहले चरण के चुनाव के बाद वाकई में जो रुझान है वो बदला है या नहीं बदला, या लोग अभी भी ममता बनर्जी के साथ है? ज़्यादातर मेरे साथ सिख समुदाय के लोग हैं, आप जानते हैं पंजाब में जो इलेक्शन हुए उसमें क्या रिजल्ट आया है, थोड़ा साफ हो गया था भाजपा का, तो यहाँ पर भी हम इन लोगों की राय जानेंगे कि ये लोग किसके साथ हैं। तो शुरुआत करते हैं, जनता से बात करते हैं। पर जी आपसे शुरुआत करेंगे, नाम क्या है? जसविंदर सिंह। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार बंगाल के चुनाव में क्या होगा? देखिए हम लग रहा क्या ये तो पता नहीं है, लेकिन जो हम बोलते हैं कि जब ज्योति बासु को चीफ मिनिस्टर बनने का मौका मिला था तो उस समय यहाँ सबने कहा था कि ये पॉलिटिकल ब्लंडर है, हिस्टोरिकल ब्लंडर है। तो मैं बोलूँगा अगर अभी बीजेपी को कोई लाएगा तो ये सुपर डुपर ब्लंडर मिस्टेक होगी और ये सबके हित में नहीं होगी, सबके अगेंस्ट होगी, क्योंकि वो दिन रात झूठ बोलते हैं। अभी मोदी जी बांग्लादेश में जाके बोले कि वहाँ आज़ादी की लड़ाई लड़े, मुझे समझ नहीं आ रहा। चाय बेच रहे थे कि 35 साल भीख मांग रहे थे या कहीं पर अपना पढ़ाई कर रहे थे, उनके पास अभी डिग्रियाँ भी आ गई। भगवान बचाए ऐसे नेता से जो देश के लिए और देश की जनता के हित में नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अपना वोट सोच समझ के दो, जो देश के हित में है उसके लिए दो। मैं किसी के पक्ष में नहीं हूँ, किसी के विपक्ष में नहीं हूँ, अपने दिमाग से काम लो। माँ बाप ने सबको पैसा वैसा दे के पढ़ाया वगैरह है और दुनिया में हम लोग देखते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, तो इस हिसाब से हम लोग को सही आदमी को चुनना चाहिए। आपसे जानेंगे, क्या नाम है? नारायण सिंह। अच्छा सर, क्या लग रहा है? पहला तो सवाल यही है कि इस बार क्या हो रहा है? देखिए इस बार तो दीदी का ही आने का पूरा ये है, क्योंकि जिस तरह से माहौल बनी जा रहे हैं आगे से आगे तो ये ठीक नहीं है। किसानों पर जो हो रहे हैं आज 4 महीने से लोग इस तरह से बहे हैं तो बहुत मुश्किल है हम लोग। किसान मुद्दा यहाँ पर भी लग रहा है कि किसान मुद्दा ये बीजेपी को नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि पंजाब में हमने देखा पंजाब में भाजपा को कैंडिडेट भी नहीं मिले और खाते भी नहीं खोल पाई, इतनी बुरी हालत हो गई थी। और पंजाब तो एक यूनिटी है सिख समुदाय का पूरा, वो पंजाब तो है ही सिख समुदाय का, तो यहाँ पर भी क्या वो फैक्टर करने वाला है? एकदम दीदी आएंगी एकदम। अच्छा ये मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये आप लोगों की नाराज़गी है प्रधानमंत्री मोदी से या ममता बनर्जी ने काम किया है इसलिए आप उनके साथ जा रहे हैं? नहीं देखिए काम किया है, नाराज़गी क्या है कि अभी एक उनको सोचना चाहिए था कि आज 4 महीने से एक सिख कम्युनिटी जिसने शुरू से बलिदान देते हुए आए हैं आज 4 महीने से जो संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका क्या एक दूसरी कम्युनिटी को भी पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। वो तो अब खालिस्तानी बता रहे हैं आज भी, खालिस्तान दो अलग देश की मांग कर रहे हैं ये गलत है, ये गलत है। बस यही है कि देखिए अभी। चलिए ठीक है, आप बताइए सर पाजी, आपका नाम? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। अच्छा, क्या लग रहा है? तो सबसे बड़ा अभी जो है ना इस वक्त जो चुनाव किसान आंदोलन के बाद से सिख समुदाय का अलग से, जैसे पहले मुस्लिम तुष्टीकरण करते थे कि मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, लेकिन अब सिख समुदाय को टारगेट किया जा रहा है किसान आंदोलन के बाद से सबसे ज़्यादा, तो क्या ये फैक्टर बंगाल में भी रहे? नहीं, ये फैक्टर पहले तो अपने को थोड़ा पीछे जाके देखते हैं, ये जो किसानों का आंदोलन है ये सिर्फ पंजाब का आंदोलन नहीं है, पंजाब ने शुरू जरूर किया था ये, शुरू अगर आप जाओगे तो 1905-6 में भी ये किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था अंग्रेजों के टाइम में ये पंजाब से शुरू हुआ था और उनको ये जो काले कानून ब्रिटिश लेके आई थी उनको वापस लेने पड़े थे,
तो इसी हिसाब से इस बार भी ये चीज़ ये मुद्दा सामने आया है। तो पंजाब ने हर चीज़ का कोई ना कोई एक सूत्रधार होता है, उन्होंने वो पिक किया है। हरियाणा ने साथ दिया है, वेस्टर्न यूपी पूरा साथ है, राजस्थान साथ है, हम लोग बहुत सारे और भी जो ये हैं आपके स्टेट्स हैं वहाँ से भी हम लोग की खबरें आ रही हैं, सब साथ हैं। लेकिन इनकी बीजेपी की सरकार होने के कारण वहाँ पर वो इतना प्रेशराइज़ कर दे रहे हैं, फैमिली मैटर्स को इतना उनको ये कर दे रहे हैं, सप्रेस कर रहे हैं कि वहाँ से बंदे वहाँ दिल्ली नहीं आ पा रहे हैं, उनको इतना ज़्यादा रोका जा रहा है। क्योंकि टोटल जो गोदी मीडिया है वो इनके अंडर पूरा चला गया है, और वो ये दिखा रही है, मेनस्ट्रीम मीडिया दिखा रही है 175 प्लस ला रही है भाजपा। देखिए, ये बोलने और करने की जो ग्राउंड लेवल पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में आपका जो जो यहाँ के मुद्दे हैं वो मुद्दे यहाँ के बंगाल के लोगों को पता है क्या मुद्दे हैं। और लास्ट 10 साल में हम लोग जो देख रहे हैं कि ममता दीदी ने काम किए हैं, हो सकता है कि जितना उनको करना चाहिए था वो नहीं कर पाए, बट उनको 5 साल और देने बनते हैं, और ये 5 साल इस बार जो पब्लिक है वो देगी उनको, ये हमारा श्योर शॉट ही है। ये कहा जा रहा है कि गुजरात में निकाय चुनाव हुए थे तो उसमें भाजपा जीत गई, तो वो कह रहे हैं हम जीत रहे हैं, जो किसान हैं, मतलब किसान जो बैठे हैं ये किसान नहीं है, किसान हमारे साथ है, इसलिए हम गुजरात में जीते। अगर बंगाल में जीत जाती है भाजपा तो क्या इसको माना जाएगा ये? अच्छा, आप जवाब। हाँ, मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जैसे ये जीतने की जो बात करते हैं वो है सबसे बड़ा फंडा ईवीएम, वो एकदम क्लियरली हमारे अभी देखिए पंजाब में इलेक्शन हुई और पंजाब के जो सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह पर से हुई थी। नहीं नहीं नहीं, ईवीएम से हुई है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या कहा कि हमें डर है ईवीएम का, जीतने के बाद भी उन्होंने ये बात की, तो कहीं ना कहीं सबको ये चीज़ का डर है। जैसे मैं कल की घटना बता देता हूँ, हम लोग किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और यहाँ बंगाल के लोगों के तक भी अपनी पहुँच कर रहे हैं, उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ये आंदोलन क्यों है और क्यों हो रहा है, क्योंकि ये किसी कम्युनिटी का आंदोलन नहीं है, ये सब किसानों का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है। ये केरल भी इसमें शामिल है, कर्नाटका भी शामिल है, राजस्थान भी शामिल है, जयपुर भी शामिल है, बंगाल भी शामिल है, बिहार भी शामिल है। जुड़ नहीं पा रहा है क्योंकि ट्रेनें भी चालू नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, तो ये ट्रेनें भी चालू नहीं है, प्लस अदर स्टेट के कुछ किसानों की ये भी प्रॉब्लम है कि वहाँ की जो सरकार है वो उनके ऊपर दबाव बना रही है, उनको वहाँ पहुँच। यूपी में भी हमने देखा था, पुलिस आपको यूपी में भी नज़र आएगी। और यही कल हुआ नंदीग्राम में कि आप मीडिया की बात कर रहे हो, मीडिया ने बोला था कि नैनो चिप आएगी, आई 2000 के नोट में। मीडिया ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे मोदी जी, ये भी मीडिया ने दिखाया था, वो मिली नहीं मिली, 15 लाख मिले नहीं मिले, बोले थे कि देश नहीं बेचेंगे, आज एक एक करके देश को पूरा इंडस्ट्री देश का बेच दिया। और अभी बंगाल के चुनाव में ये दे रहे हैं कि बंगाल में हम नौकरियां देंगे, और बंगाल में नौकरियां क्या देंगे जब सारा कुछ सेक्टर सरकारी नौकरियां देंगे, सारे सेक्टर तो प्राइवेट कर दे रहे हैं, फिर सरकारी नौकरी कहां से लाएंगे? वो क्या उनको बांग्लादेश नौकरी करने के लिए भेजेंगे या पाकिस्तान भेजेंगे? यहां के पूरे सेक्टर तो प्राइवेट हो जा रहे हैं। और बंगाल में अभी एक नया चल रहा था कि 24 लाख हमने छत दी है पीएम आवास योजना के तहत, बहुबाजार में लेडीज है लक्ष्मी नाम के उनका है, उनकी कम से कम 8 से 10 न्यूज़पेपर में 14 फरवरी और 25 फरवरी। मैं दर्शकों को बता दूं, मैंने भी कल ही उनसे बात करी है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जिन लक्ष्मी की ये बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि उनको घर दिया गया है जबकि उन्हें कुछ भी नहीं मिला और पता भी नहीं है, आप जाके चेक कर सकते हैं वीडियो लिस्ट में, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो ये तो सब देखिए, ये जो न्यूज़ चैनल हैं ये गोदी मीडिया बन चुके हैं और टोटल झूठ है। कल की नंदीग्राम की मैं मीडिया की आपको घटना बता देता हूँ, हम लोग जा रहे नंदीग्राम जा रहे थे, वहाँ पे ब्लॉक 1 में नंदीग्राम में सीएम ममता बनर्जी को उनको वहाँ रास्ता क्रॉस करना, जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, उन्होंने बोला कि 5 मिनट आपको वेट करना पड़ेगा, रास्ता बंद है, जैसे वो क्रॉस कर जाएंगे रास्ता खोल देंगे। वहाँ पे न्यूज़ 18 और न्यूज़ इंडिया, इंडिया टीवी और आर बंगला, ये 4 चैनल मेरी गाड़ी के पीछे पहुँचे और मेरे से इन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया, बोले आप गाड़ी साइड करो, हम लोग को आगे जाना। तो मैंने उनको बोला यार मैंने आपका रास्ता नहीं रोका, आगे सिक्योरिटी ने रास्ता रोका, जैसे रास्ता खोलेंगे हम लोग क्रॉस कर लेंगे, आप निकल जाइएगा। और सो वैसे ही हुआ, वो वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट प्रोपोगंडा करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस ने ये बात को समझते हुए बोला कि सीएम का प्रोटोकॉल को तोड़ो, इनको पहले निकाल दो, नहीं तो ये यहाँ एक बवाल करेंगे। वो बोलेंगे हमको 3rd ब्लॉक में जाना और हमको कवरेज करना है, और वहाँ से जैसे पुलिस ने क्रॉस कराया उनको, मेरी गाड़ी भी क्रॉस कर गई और मेरे को जाते हुए वो बोले कि आपका नंबर ले लिया, आपको तो हम लोग देख लेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है आप देख लीजिएगा। 1 किलोमीटर जाने के बाद वही लोग जो बोल रहे कि हमको आगे रिपोर्टिंग करना है, 3 ब्लॉक फेस में जाना है, लाइव प्रोग्राम होगा हम लोग का, वो यूटर्न लेके वही प्रोग्राम ममता बनर्जी के प्रोग्राम में पहुंच गए। इसका मतलब कि वो वहाँ सिर्फ एक क्रिएशन करने गए थे, एक प्रोपोगंडा बनाने गए थे कि यहाँ मीडिया का रोका जा रहा, तो मीडिया तो शरेआम बीजेपी का दलाली कर रहा। और आने के टाइम में मेरा गाड़ी को कम से कम 1.5 घंटा इलेक्शन कमीशन ने रोका,
बोला कि आप नोट बांट रहे थे ये गाड़ी में, उन्होंने 3 बार मेरा गाड़ी सर्च किया और मेरे को छोड़ा, ये मेरे पास लाइव वीडियो उनका पड़ा हुआ सबका। तो ये हालात हैं, ऐसे हालातों में हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो बंगाल में इलेक्शन हो रहा है ये पूरा फेयर होगा? अगर ऐसा मीडिया अगर ऐसा क्रिएशन कर रहा है, ऐसे प्रोपोगंडा बना रहे हैं, तो मीडिया के ऊपर तो भरोसा ही खत्म हो गया। चौथा स्तंभ था इंडिया का मीडिया, लेकिन वो खत्म हो चुका आज के डेट में। कुछ लोकल मीडिया हैं आप जैसे जो सच दिखाते हैं, ये लोग तो सच दिखाना ही नहीं चाहते, ये तो खाली वो झूठ के जैसे मोदी जी इनको लिख के दे देते हैं वैसे ये लोग बोलते हैं। आज का मीडिया तो बिक चुका है। फिर फाइनल मान लिया जाए कि भाजपा नहीं आ रही बंगाल? देखिए, जो अगर लोगों की जो लोगों वोटरों की अगर देखा जाए सूची, तो वोटरों की सूची देखते हुए ग्रांटेड है कि नहीं आ पाएगी। बाकी अगर इनकी कुछ कहीं ना कहीं हेरा फेरी, जहाँ ये लोग जो ईवीएम का धंधा लेके आए उससे करेंगे, तो फिर कुछ भी कर सकते हैं, उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और आपके चैनल के थ्रू हम लोग कहना चाहते हैं कि 2014 में जब इलेक्शन हुए थे, लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, उसके बाद उन्होंने 2019 में भी वो किया, उस समय मोदी जी ने एक नारा दिया था कि जो भी आज वोट करने जाएगा, वोट करने के पहले उन्होंने कहा था कि अपने घर के गैस सिलेंडर नमस्कार करके जाइएगा। मैं बोलूँगा कि इस बार भी वही करना चाहिए, और गैस सिलेंडर के साथ साथ जो रास्ते में आपके पेट्रोल पंप आए उसका एक बार डीजल और पेट्रोल का भी, गाड़ी भी तो सभी के घर में, तो वो अपने खर्चे का भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बाई चांस अगर किसी कारण वो आ भी जाती है तो आपकी आय नहीं बढ़ेगी बट आपका खर्चा जरूर बढ़ जाएगा। इस चीज़ को आपके अपने दिमाग में रखते हुए अपना वोटिंग करने का वोटिंग इख्तियार करें अपना। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हमने अभी बात करी है, पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, लगातार हमारी चुनाव यात्रा जारी रहेगी, आपको सच का दिखाते रहेंगे कि ग्राउंड पर क्या चल रहा है। स्टूडियो में बैठ के हम नहीं दिखाते, या मैं हर बार कहता हूँ कि हम स्टूडियो वाली रिपोर्टिंग नहीं करते, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते। ग्राउंड रिपोर्टिंग से जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।